और नमस्कार दोस्तों, आसाम विज्ञापन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिसेंटली एचएस फर्स्ट ईयर को पास आउट किए हैं, यानी कोविड के चलते जिन सभी स्टूडेंट्स को प्रमोशन कर दिया गया है एचएस सेकेंड ईयर पे, उन सभी का यहाँ पे एडमिशन होने जा रहा है। जो सभी स्टूडेंट्स आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स के हैं उन सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पे एडमिशन होने जा रहा है। किस तरह से एडमिशन होगा, क्या क्या प्रोसीजर है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखते रहिएगा बिना कोई एक भी पॉइंट को स्किप करते हुए। तो एडमिशन का प्रोसेस किस तरह से ऑनलाइन तरीके से होगा, जहाँ पे स्टूडेंट को अपना यूनिक आईडी जनरेट करना होगा। किन सभी स्टूडेंट्स को यूनिक आईडी जनरेट करना होगा, एडमिशन कब होगा, किस तरह से एडमिशन होगा, वो अभी हम बात करेंगे। तो चलिए बिना देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उन सभी का एडमिशन एचएस सेकेंड ईयर पे शुरू हो जाएगा, यानी टुमारो कल से शुरू होगा, 16 अगस्त से शुरू होगा, जो कि टाइम दिया गया है सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक। अगर जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनका 17 से स्टार्ट होगा, सभी को एक दिन ही दिया गया है और जो कि टाइम है सेम ही हो सुबह के 11 बजे से लेकर 2 बजे तक। अगर जो आर्ट्स के हैं जो सेक्शन प्रीवियस ईयर पे जो सेक्शन एचएस फर्स्ट ईयर में जिनका सेक्शन ए था, उन सभी के हिसाब से एचएस सेकेंड ईयर का भी एडमिशन उसी तरह से होगा। उनका एचएस सेकेंड ईयर का जो सेक्शन ए पे था प्रीवियस ईयर पे आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए, उनका 18 अगस्त को यहाँ पे उनका एडमिशन होगा। जो आर्ट्स सेक्शन बी के थे जो लास्ट ईयर पे जिनका एचएस फर्स्ट ईयर पे जो लास्ट ईयर के चलते जिनका सेक्शन बी था उसी रिकॉर्ड के अनुसार उनका यहाँ पे 19 अगस्त को यहाँ पे एडमिशन होगा। टाइमिंग सभी का सेम है सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे। यहाँ पे आपको क्या क्या जरूरी होगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स सभी को जो स्टूडेंट्स आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को यहाँ पे यूनिक आईडी जनरेट करना होगा। यूनिक आईडी किस तरह से जनरेट करना होगा वो थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले यहाँ पे बात करते हैं डॉक्यूमेंट होगा सभी स्टूडेंट्स का जरूरत होगा। यहाँ पे एचएसएलसी मार्कशीट का जरूरत होगा, जैसे कि एचएस फर्स्ट ईयर में कोई एग्जाम नहीं हुआ था, सबको प्रमोट कर दिया गया था, तो उसी के चलते यहाँ पे हर सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पे एचएसएलसी यानी मैट्रिक का क्लास 10th का यहाँ पे मार्कशीट यहाँ पे देना होगा। यूनिक आईडी देना होगा, यूनिक आईडी का जेरोक्स कॉपी आपको लेके जाना पड़ेगा। 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ लेकर जाना पड़ेगा। और आपका यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एडमिशन का कोई फी इस बार नहीं लिया जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट पता चल गया यहाँ पे, तो यहाँ पे यूनिक आईडी किस तरह से जनरेट करना है वो हम डिस्कस करते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने दे दिया है। किन सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पे यूनिक आईडी जनरेट करना होगा, किन सभी स्टूडेंट्स को यूनिक आईडी जनरेट करना नहीं पड़ेगा वो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। जैसे कि यूनिक आईडी एक स्टूडेंट का सिर्फ एक ही बार बनता है। जिनका डाउट है क्या हमें एचएस सेकेंड ईयर पर भी जाकर यूनिक आईडी जनरेट करना होगा, स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे यूनिक आईडी दोबारा से जनरेट करना नहीं है, आपको यहाँ पे सिर्फ मॉडिफाई करना है। जैसे कि यहाँ पे गो फॉर रजिस्ट्रेशन, इस जब लिंक पे क्लिक करके आएंगे गो फॉर रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे कि प्रीवियस ईयर पे एचएस फर्स्ट ईयर पे आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम दिया था, आपने मिडिल नेम जिनका है उन्होंने मिडिल नेम दिया था, लास्ट नेम दिया था, उनका फादर नेम जो डिटेल्स है मोबाइल नंबर वगैरह डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो दिए थे वो यहाँ पे आपको देना था, यहाँ पे आपने दिया यहाँ पे, तो आपको सब कुछ सेम टू सेम ही मिलेगा। यहाँ पे कोई नया तरीके से बताने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि रिलीजन किसका जो है वो होगा, कास्ट जिसका है जो जनरल पे है जनरल ओबीसी एसटी एसटीपी एंड एसटीएच, ठीक है, प्रीवियस ईयर की तरह सेम टू सेम फॉर्म होगा। लेकिन आपको यहाँ पे चेंज क्या करना होगा, आपको यहाँ पे चेंज यहाँ पे एग्जामिनेशन एंड कोर्स इन्फॉर्मेशन जो है वो चेंज करना होगा। तो अभी आपका बात आएगा कि यहाँ पे अगर न्यूली हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो किस तरह से हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे। गाइज यहाँ पे ऊपर में देखेंगे स्टूडेंट लॉगिन है एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन आपको प्रीवियस ईयर पे जो यूनिक आईडी मिला था वो यूनिक आईडी आपको यहाँ पे डालना है एंड डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालना है, साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपको ऊपर में पेंसिल का ऑप्शन आएगा, वो एडिट का ऑप्शन है, उस पर जाना है, आपको एडिट करना है। आपको एडिट क्या करना है, फॉर्म कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का। आपको सिंपल सा प्रोसेस, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करना है। हाँ, अगर आपका कुछ डेट ऑफ बर्थ का प्रॉब्लम है, इशू है, तो उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज जो करना है आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर सेम टू सेम ही रहने देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे कि आप सभी को एचएस फर्स्ट ईयर का रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपको नहीं मिला है, तो आपने अगर एचएस फर्स्ट ईयर पे आपने एचएसएलसी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया था उसको ही रहने देना है। अगर यहाँ पे ब्लैंक दिखाता है आपको यहाँ पे एचएसएलसी का रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। आशा करता हूँ आपको डाउट क्लियर हो चुका हो। बैंक का डिटेल जिस तरह से है उसी तरह से है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं।
अगर हम यहाँ पे एग्जामिनेशन कोर्स इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो सीकिंग एडमिशन फॉर यहाँ पे आपको HS ही सेम टू सेम होगा एंड सीकिंग एडमिशन ईयर सेमेस्टर आपको यहाँ पे पहले आपका फर्स्ट ईयर था या के चेंज करना है आपको सेकेंड ईयर देना है ठीक है। लास्ट ईयर एग्जामिनेशन पास्ट कहाँ से पास हुआ था आपको यहाँ पे ये HSL से सिलेक्ट नहीं करना है आपको यहाँ पे HS सिलेक्ट करना है ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर सेम टू सेम होगा। बैंक का डिटेल अगर प्रीवियस टाइम पे जो दिया था अगर आपको लगता है चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला ऑप्शन ब्लैंक होगा आपको आई सर्टिफाइड ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यूनिक आईडी तो साथ ही साथ आपका मॉडिफाई होकर मिल जाएगा, ये आपके पास ऑलरेडी यूनिक आईडी है। उस यूनिक आईडी को प्रिंट आउट लेकर ठीक है आपको कॉलेज पे जाना है, वहाँ पे आपके एडमिशन होगा। आपको सिर्फ यूनिक आईडी को मॉडिफाई करके लेके जाना है, उसका प्रिंट आउट कॉपी निकाल के आपको स्कूल में जाके लेके जाना है, उसके बाद आपका एडमिशन शुरू हो जाएगा ठीक है। बाकी सभी जो डिटेल है आपको जैसे कि मैंने बताया हुआ है HSLC का मार्कशीट, यूनिक आईडी और आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना है और उसी पे आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर तो गाइस आज के इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा जो हाफलोंग गोल्फ्ट कॉलेज के स्टूडेंट्स है उन सभी के लिए सिर्फ ये एडमिशन है HS सेकेंड ईयर का ठीक है। आपका कुछ भी डाउट होता है नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपका कुछ भी डाउट हो मैं क्लियर वो कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पे अगर नए आए हुए हैं हमारे चैनल को नए देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साइड में बेल आइकन है उसे भी ऑल प्रेस करके रख दीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी अपडेट्स है सभी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स एजुकेशन रिलेटेड अपडेट्स सभी आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिलता रहे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहे, जय हिंद जय भारत।